अब हम बदलाव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में परिवर्तन की आंधी के आसार पिछले कुछ साल से देश में भयंकर परेशानी का माहौल, समाज का हर तबका बेचैन, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर व्यापारी जूते कारोबारी हो, चाहे दलित आदिवासी, चाहे पिछड़े और अकलियत हो, सबको भविष्य का भय सता रहा। नारी अत्याचार इस हद तक उभरी है कि बच्चियां तक सुरक्षित नहीं, यही नहीं उनके अपराधियों तक को संरक्षण मिल रहा। बेरोजगार युवाओं जिन्हें हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, वे अभी तक आज तक रोजगार की तलाश में हैं। वे अब समझ गए हैं कि उनके साथ क्या धोखा किया है मोदी जी ने। ठीक वही धोखा किसानों के साथ भी हुआ जिन्हें उनकी उपज की लागत से दोगुनी कीमत दिलाने का वादा मोदी ने किया था। अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार की नीतियों ने पूरी तरह चौपट कर दिया। पेट्रोल डीजल के दाम कहां तक पहुंच गए हैं आप सब जानते हैं, और उसका नतीजा आप खुद रोज रोज झेल रहे हैं। असंगठित क्षेत्र और खेत कामगारों की हालत बिगड़ती चली जा रही है। मेरी बहनों को महंगाई की वजह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मोदी जी का बहुत ही पसंदीदा वादा ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का क्या हुआ, उनके राज में भ्रष्टाचार की जड़ें और गहरी हुई। सत्ता हथियाने के लिए मोदी जी ने जितने वादे किए थे वे सब खोखले साबित हुए, झूठे साबित हुए। क्या हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने ऐसा ही देश बनाने के लिए अपना रक्त बहाया था? उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया क्योंकि वे एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसकी बुनियाद सत्य प्रेम और अहिंसा पर टिकी। लेकिन इन 4 सालों में क्या हुआ हम सबके सामने है। ये देखकर बहुत दुख होता है कि आज के भारत में सत्य प्रेम और अहिंसा नहीं, असत्य नफरत क्रोध और हिंसा का बोलबाला है। जो न्याय के लिए आवाज उठाती है वह मोदी सरकार के क्रोध का शिकार हो जाता है। वह संसदीय बहुमत को मनमानी करने के लाइसेंस का अपना हक भी समझते हैं। असहमति को हर स्तर पर कुचलने का अपना अधिकार समझते हैं। पूरा देश एक हिंसक दौर से गुजर रहा। आज हमारे देश को निष्पक्ष और मजबूत संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत है। इन संस्थाओं को बड़ी मेहनत से 60-65 साल में तैयार किया गया था, लेकिन जब से भाजपा की मोदी सरकार आई है उसने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर करने में कोई
कसर बाकी नहीं रखी। यह सब उनके एक खास सोच रखने वाले संगठन के इशारे पर किया जा रहा। चुनाव को ध्यान में रखकर समाज का बंटवारा किया जा रहा। राजनीतिक विरोधियों को सरकारी एजेंसी के जरिए निशाना बनाया जा रहा। आज जिस गंभीर संकट से न्याय व्यवस्था गुजर रही है, ये सबसे चिंताजनक बात है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अध्यापकों, प्रोफेसर, विद्यार्थियों को बोलने की आजादी नहीं है। मीडिया को अपनी सच्ची भूमिका का पालन करने से किसी न किसी तरह रोका जा रहा। तो भाइयों और बहनों, आज जो सब कुछ हो रहा है देश के लिए, हम सभी के लिए ये एक नाजुक दौर है जिसे हम सबको गंभीरता से लेना पड़ेगा और इसके खिलाफ डटकर लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह सतर्क रहने का समय है। आप में से हर एक को राहुल जी के साथ, हम सभी को मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी है। जनता हमें साथ देने को तैयार है और हम हमेशा की तरह उनके प्रति संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज हम सब राहुल जी के नेतृत्व में संकल्प लें कि मोदी जी और उनके लोग जो अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के लिए देश की संवैधानिक बुनियाद को कमजोर करना चाहते हैं, हम सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। जो कानून का नहीं बल्कि देश पर अपनी मनमर्जी का राज थोपना चाहते हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। जो हमारे गंगा जामुनी तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। हम दिशाविहीन और जन विरोधी मोदी सरकार का, उस सरकार का जिसने देश की आवाम से झूठे वादे करके उनके साथ विश्वासघात किया है, उसका हम मिलकर पूरी ताकत से मुकाबला करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से उठी आपकी आवाज देश के घर घर में पहुंचेगी और आने वाले दिनों में हमारा संघर्ष कामयाब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।